शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी, सही है या गलत, अब इसका फैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट। देश के सबसे बड़ी अदालत में केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई चल रही है। इससे पहले कोर्ट ने केजरीवाल को 21 दिन की राहत दी है, जिसके बाद 2 जून को उन्हें वापस जेल जाना होगा। कोर्ट ने कहा है कि जहाँ तक केस की सुनवाई योग्य होने का सवाल है, तो उसकी दलील यही है कि सेक्शन 19 को संतुष्ट नहीं किया गया है, साथ ही रिमांड ऑर्डर पास नहीं होना चाहिए था। वहीं ईडी की तरफ से पेश हुए तुषार मेहता ने कहा है कि सेक्शन 19 की शर्तें केवल ऊंचे पद पर बैठे अधिकारियों को शक्ति देती हैं। उन्होंने ये दलील दी कि गिरफ्तारी एक जांच का हिस्सा है और कई बार एजेंसियों को ऐसे काम करने पड़ते हैं जो सही नहीं लगते। कोर्ट ने कहा है कि अदालतें भी खुद नियम के तौर चलती हैं, और अगर आप ऐसी PMLA मामले में लाते हैं तो शर्तों के साथ जमानत भी होना मुश्किल हो जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग को वैश्विक अपराध घोषित कर दिया गया है। हम कानून के गुण या दोष नहीं गिनवा रहे, बल्कि हम आपको सेक्शन 19 बहुत ही आसानी से समझाना चाहते हैं। कोर्ट ने केजरीवाल की बेल पर बाहर आने के बाद के भाषण के बारे में भी जिक्र किया कि वो कहते हैं कि अगर आप झाड़ू को चुनेंगे तो मैं जेल वापस नहीं जाऊंगा। तो इस पर ही केजरीवाल के वकील बोले कि मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कुछ बोला होगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल का मानना है कि अगर ये हम सोच लें कि न्याय है। इस पर ही एजेंसी ने कहा कि केजरीवाल को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कोर्ट ने भी कहा कि हमारा आदेश बहुत साफ है, साथ ही हम किसी के लिए अपवाद नहीं बन रहे।